नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल घर का भोजन में। तो आज मैं आपके लिए बचे हुए चावल से रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मैंने बचे हुए चावल से ही बनाए हैं। तो जितना दिखने में ये टेस्टी लग रहा है, ये खाने में उतना ही डिलीशियस है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये डिलीशियस नाश्ता आप बचे हुए चावल से कैसे बना सकते हैं। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। बचे हुए चावल से डिलीशियस नाश्ता बनाने के लिए मैंने ये रात के बचे हुए चावल लिए हैं। सबसे पहले ये एक बड़ा कटोरा बचे हुए चावल हैं, इसको सबसे पहले हम मिक्सी में डाल लेंगे। तो धीरे धीरे करके हम सारा मिक्सी में डाल लेते हैं इसको। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको डाल के इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्सी में पिस जाए। हमें बिल्कुल इसका बारीक सा पेस्ट बनाना है, तो इसको अच्छी तरीके से पीस लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। अभी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल पतला टेक्सचर है। और इसको सबको हम एक बर्तन में निकालेंगे, अलग से बाउल में। अब हम क्या करेंगे, हमने एक कप सूजी ली है। आपके पास कोई भी सूजी हो आप इसमें डाल सकते हैं। एक कप सूजी लेने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस चावल के पेस्ट के साथ। इसको थोड़ी देर मिक्स कीजिए, फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर पानी डालने के बाद फिर से हमने इसे मिक्स करना है अच्छे से, और थोड़ा सा पानी और डालना है। थोड़ा पानी और डालिए, उस हिसाब से पानी डालना है जिस हिसाब से ये बैटर को सोक कर ले। तो इस तरीके से डाल लेंगे। अब क्या करेंगे, ये देखिए मैं आपको बैटर दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है। अभी हम इस सूजी को रेस्ट करने के लिए भी छोड़ना होगा, क्योंकि सूजी को फूलने में टाइम लगता है। तो अभी इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए जब तक हमने सूजी को छोड़ा है, तब तक एक पैन में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। उसको अच्छे से गर्म होने के बाद हम उसमें 1 टीस्पून क्यूमिन सीड डालेंगे यानी जीरा, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड डालेंगे यानी सरसों, 4 से 5 हम गार्लिक क्लोव्स डालेंगे यानी लहसुन की 4 से 5 कलियाँ, 3 से 4 हमने हरी मिर्च डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना आ जाए। जिस तरीके से आप देख रहे हो, उसका कलर चेंज हो चुका है। इस तरीके से अब हम इसको उस बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने सूजी और पिसे हुए चावल को रखा था। इसको डालने के बाद हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। उसमें सबसे पहले हम 1 टमाटर डालेंगे, नॉर्मल साइज़ का। मैंने 1 टमाटर लिया, उसको अच्छे से चॉप कर लिया। 1 ऑनियन लिया, उसको भी अच्छे से चॉप कर लिया। इनको डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि सूजी हमारी थोड़ी फूल गई थी और थिक भी हो गया हमारा बैटर। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डालिएगा। थोड़ा सा हमने हल्दी डाला है इसमें। 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है। 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया है। इन सब को डालने के बाद, मसालों को डालने के बाद, आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहो तो बिना मसाले के, मतलब सिर्फ नमक के साथ भी इसको बना सकते हैं। मेरे को ऐसा सही लगा था, तो मैंने इसमें इस तरीके से बना लिया। मिक्सी में जो बचे हुए चावल हमने पीसे थे, उसका थोड़ा उसमें पानी डाल के मैंने इस बैटर में डाल दिया, क्योंकि हमारी सूजी बहुत थिक हो गई थी। हमारा बैटर थिक हो गया था सूजी डालने के बाद। इसको डालने के बाद अच्छे से हम इसको चला लेंगे। इसका ये देखिए, हमने चला लिया है। इसको हम फिर से 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, तो अभी इसको हम मिक्स करके देखेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है, मतलब पूरा ही रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमारे को बैटर चाहिए था। अभी आप ये देख लीजिए, जब आप बनाओ तो ऐसा ही होना चाहिए। गैस में मैंने नॉन स्टिक एक तवा रखा है, उसमें अच्छे से थोड़ा सा ऑयल लगा के इस बैटर को हम इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर लेंगे और इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। जैसे कि अगर आप ये देखोगे ऊपर नीचे हो जाए, तो स्पैचुला की सहायता से आप इसको इक्वल कर सकते हैं। तो इसको डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाएंगे ताकि ये चिपके ना, और साइड से इसके कॉर्नर्स निकाल देंगे, क्योंकि ये नॉन स्टिकी पैन है तो इसमें कोई चिपकने का डर भी नहीं है। तो इसको निकालने के बाद हम थोड़ी देर इसको ऐसे पकने के लिए छोड़ देंगे और इसको पलट देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आराम से इसको इस तरीके से करने के बाद अच्छे से पलट दीजिए। तो ये देखिए, हमारा एक तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। थोड़ा सा इसको प्रेस करके थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे,
और ये पकने के बाद ही हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देखिए बहुत टेस्टी बचे हुए चावल की चीले। तो फ्रेंड्स एक और मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। तवे में थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको बैटर को डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक की तवा नहीं है तो नॉर्मल तवे में भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपने तवे को अच्छे से साफ़ करना होगा और अच्छे से ऑयल वगैरह लगा के इस बैटर को तब डालना होगा, तो आपका बैटर चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से करने के बाद हम इसको पहले चारों तरफ से पकने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि थोड़ा सा हम इसमें पहले साइड से ऑयल लगाएंगे इस तरीके से। अगर आप नॉर्मल तवे पे बना रहे हो तो अच्छे से ऑयल डालिएगा ताकि साइड चिपके ना। तो ये देखिए हमारा चीला एक तरफ से पक चुका है और हम दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितने इजी तरीके से मैंने बचे हुए चावल की आपके लिए रेसिपी बताई है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं आगे भी आपके लिए और भी डिलीशियस रेसिपी ला सकूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में कुछ डिलीशियस खाने के साथ। बाय बाय।